हेलो मेरे देसी चटोरों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए टेस्टी डेजर्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है और घर में रखे हुए सामान से ही आप इसे बना सकते हैं, और ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस डेजर्ट को बनाने के लिए हम 100 ग्राम मैदा लेंगे, 100 ग्राम सूजी लेंगे। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो इसे मिक्सर जार में डाल के और बारीक पीस लें। आधा चम्मच इलायची पाउडर लेंगे। सूखे हुए सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें आधा कप दही डालेंगे, 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम बैटर तैयार करेंगे। हमें थोड़ा गाढ़ा बैटर तैयार करना है। वन टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। आप ध्यान रखिए, हमें बेकिंग पाउडर डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के साइड में रख देंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है तो सूजी को फूलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तब तक हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें एक कटोरी पानी डालेंगे, एक कटोरी चीनी डालेंगे और इसे 4-5 मिनट तक अच्छे से उबाल लेंगे। चीनी डालने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा हमें इसे चलाना पड़ेगा। जब चीनी पिघल जाए तो हमें इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चिपचिपी चाशनी बनानी है। तो 4-5 मिनट में हमारी चाशनी अच्छे से बन जाती है। चाशनी को उबलते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें 2 ड्रॉप ऑरेंज फूड कलर के डालेंगे। हमारी चिपचिपी चाशनी बनकर तैयार है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारे बैटर को रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो गए हैं। ये बिल्कुल फ्लफ़ी है और हमें ऐसा ही बैटर चाहिए। अगर आपका बैटर गाढ़ा हो तो 1-2 चम्मच पानी डाल के इसे फिर से एक बार मिक्स कर लें। अब हम एक ग्लास लेंगे, एक स्टार नोज़ल लेंगे और इस तरह का पाइपिंग बैग लेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप दूध की थैली का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे हम मेहंदी का कॉर्न बनाते हैं उसी तरह से हमें एक कॉर्न तैयार करना है। पाइपिंग बैग को ग्लास में डालेंगे और उसमें सारा बैटर डाल देंगे। हमें इस तरह से एक पाइपिंग बैग में बैटर को डालना है। बैटर डाल के पाइपिंग बैग तैयार कर लेंगे। गैस पे एक पैन रखेंगे, इसमें घी या तेल डाल के इसे मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम पाइपिंग बैग से मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से इसमें डालते जाएंगे। हमें घुमा के मिक्सचर डालना है, जिस तरह से हम जलेबी बनाते हैं उसी तरह से। जब आप मिक्सचर को पाइपिंग बैग में डाल के कढ़ाई में डालें तो गैस की फ्लेम को लो रखें, इससे आपका हाथ नहीं जलेगा। गैस की फ्लेम को अब हम मीडियम पे कर देंगे और इन्हें अच्छे से सेक लेंगे। जब एक तरफ से ये सिक जाए तो इनको पलट देंगे। दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर आने तक हमें इन्हें सेक लेंगे। दोनों साइड से इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, ये अच्छे से सिक गए हैं। तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारे कॉर्न में और बैटर बचा हुआ है तो हम दूसरा बैच भी कंप्लीट कर लेंगे। सभी को हमने गोल्डन ब्राउन सेक लिया है तो अब हम इन्हें गरम चाशनी में डालेंगे। ध्यान रखिए, ज़्यादा गरम चाशनी में हमें इन्हें नहीं डालना है, नहीं तो ये सोगी हो जाएंगे। हमें ज़्यादा ठंडी चाशनी में भी नहीं डालना है तो इनके अंदर चाशनी नहीं जा पाएगी। अच्छे से मिक्स करके और 15 से 20 मिनट के लिए इसे चाशनी में छोड़ देंगे। चाशनी में रखे हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और पिस्ता डाल के इन्हें गार्निश कर लेंगे। तो लीजिए, हमारी बहुत ही टेस्टी और इजी सी मिठाई बनके तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही इजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।